वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डॉक्टर ओडिन के पिस्टन कंप्रेसर न्यूबलाइजर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये ब्रांडिंग है और इस पिस्टन कंप्रेसर न्यूबलाइजर का मॉडल नंबर है 303 एंड दिस न्यूबलाइजर कम्स विद अ 2 ईयर ऑफ वारंटी। और ये पिस्टन कंप्रेसर न्यूबलाइजर का जो डिज़ाइन है दैट इज़ पोर्टेबल डिज़ाइन, दैट मीन्स यू कैन कैरी इट। एंड ये पिस्टन कंप्रेसर मोटर है जिसका स्ट्रॉन्ग वर्किंग एयर फ्लो है कि जो मेडिसिन है फैल डायरेक्टली आपके लंग्स में जाएगी। और इस न्यूबलाइजर की जो नॉइस है वो बहुत लो है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और इस साइड पे आप देखेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मेंशन है जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी लिखी हुई हैं। और इस साइड भी डॉक्टर ओडिन की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस बॉक्स के अंदर जितनी भी एक्सेसरीज हैं जो इसके साथ आती हैं वो इसमें मेंशन है। एक स्पेशल चीज़ हम देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस मशीन। तो आप इस पैकेट के अंदर आपको एक्सेसरीज मिलेंगी और ये ब्लू कलर की हैं। एक चीज़ का नोटिस कीजिएगा, कई कस्टमर्स को ऑरेंज कलर की एक्सेसरीज भी मिल रही हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, दोनों एक्सेसरीज सेम है। और ये मैनुअल है जिसको हम अभी साइड में रख रहे हैं और हम मशीन निकालते हैं। इस मशीन के साथ आपको एयर फिल्टर्स भी मिलेंगे जिनकी डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में समझाऊंगा कि इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। और इस पैकेट के अंदर आपको न्यूबलाइजर मशीन मिलेगी। ये पैकेट आपके न्यूबलाइजर को डस्ट से सेफ रखेगा। सो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ हम इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि ये जो एक्सेसरी हमने आज खोली है ये ऑरेंज कलर की हैं और ये ब्लू कलर में भी अवेलेबल हैं। दोनों एक्सेसरीज सेम है, जस्ट इसमें जो डिफरेंस है वो कलर का डिफरेंस है। बाकी फंक्शनैलिटी और माउथ पीस और जितने भी इसके अंदर एयर फिल्टर्स वगैरह हैं वो सब सेम है। बात करें, ये है यहाँ पर एडल्ट मास्क जिसको एडल्ट पर्सन यूज़ कर सकते हैं, और दिस इज़ अ चाइल्ड मास्क जो फेल किड्स के लिए सेफ है, एंड दिस इज़ एयर फिल्टर्स। और इसके साथ आता है एक माउथ पीस, दिस इज़ द माउथ पीस। एंड ये है मेन मेडिकेशन चैम्बर जिसमें मेडिसिन होती है, आप मेडिसिन डालते हैं, एंड दिस इज़ द एयर ट्यूब। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस मशीन। तो ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए वायर है और दिस इज़ द ऑन ऑफ का स्विच बटन। और ये है मेडिकेशन चैम्बर जिसमें आप मेडिसिन डालते हैं, एंड इस मेडिकेशन चैम्बर के अंदर एक एयर फिल्टर है। और इस मेडिकेशन चैम्बर में आप मेजर करके मेडिसिन डाल सकते हैं। इसमें यहाँ पर मेंशन है कि आपको 8 ml, 6 ml या 4 ml मेडिसिन डालनी है। एंड मेक श्योर ये जो कैप इसको आप यहाँ पर लगाएं, ताकि इसका फंक्शन ये होता है कि इसमें से वेपर्स क्रिएट होते हैं जो कि आपकी जो कि मेडिसिन को सप्लाई करते हैं आपके लंग्स में। तो मेक श्योर ये इसी के अंदर रहे, ये कभी मिसप्लेस ना हो। और इस ट्यूब को फिक्स करने के लिए एक पार्ट को आप अगर लेंगे, इसको आपको इस मशीन के ऊपर लगाना है, इसको हल्का सा आप अगर वो ट्विस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। और जो इसका दूसरा पार्ट है उसको आपको मेडिकेशन चैम्बर के नीचे लगाना है, इसको भी फिट करने के लिए आप अगर हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो ये भी यहाँ फिक्स हो जाएगा। मेक श्योर कि मेडिसिन बाहर स्पिल ना हो। तो इसको फिक्स करने के बाद आप अगर को माउथ पीस यूज़ करना है तो आप माउथ पीस भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे इसमें माउथ पीस फिक्स करके आप मेडिसिन को आप इनहेल कर सकते हो। या फिर अगर आपको चाइल्ड मास्क यूज़ करना है, आप चाइल्ड मास्क यूज़ कर सकते हो अपने किड्स के लिए। और अगर आपको अपने खुद के लिए यूज़ करना है तो आप इसमें एडल्ट मास्क भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे यहाँ पर मास्क लगा के मास्क यहाँ पर फिक्स हो जाता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। और इसको उतारने के लिए भी, इस ट्यूब को उतारने के लिए आपको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो ये ट्यूब खुद ब खुद निकल आएगी। ये देखिए, जैसे यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट किया हमने और ये बाहर आ गया। और ऐसे ही आपको अगर मशीन से भी आपको आपको ट्यूब निकालना है तो हल्का सा ट्विस्ट करके आप इसको बाहर निकाल सकते हो। एयर फिल्टर्स जिनको आपको एवरी 2 मंथ्स मशीन में रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करने के लिए जो ब्लू सेक्शन है इसको आप हल्का सा बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इससे हम जैसे ओल्ड यहाँ पर एयर फिल्टर लगा हुआ है, इसको आपको अगर रिप्लेस करना है तो इसको बाहर निकाल के इसमें आप नया वाला एयर फिल्टर लगा सकते हैं। ऐसे इसमें यहाँ पर एयर फिल्टर लगा के इसको दोबारा से वहीं पर फिक्स कर दीजिए।
और मेक श्योर कि ये जो मशीन है इसको आप ओपन ना करें यहाँ से। अगर आपने मशीन को ओपन कर दिया तो इसकी वारंटी एक्सपायर हो जाएगी। और तो इसके साथ जो एक मेडिकेशन चैम्बर है इसके अंदर आपको एक कैप मिलेगी, तो जब भी आप मेडिकेशन चैम्बर को क्लीन करें तो मेक श्योर ये कैप लॉस ना हो। तो मेक श्योर ये यहीं पर ही रहे और ये कहीं आपसे मिसप्लेस ना हो, नहीं तो वेपर्स क्रिएट नहीं होंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 ml, 6 ml या 4 ml की मेडिसिन आप डाल सकते हो, जो कि यहाँ पर मेंशन है। इसके अकॉर्डिंग मेडिसिन